This video is brought to you by HowsAt. Download the app now. हेलो आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनाली और दी लल्लन टॉप पर शुरू हो चुका है द सिनेमा शो, जहां आपको फिल्मी दुनिया से जुड़ी बड़ी और तमाम जरूरी खबरें दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। चल दूसरा कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे, हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट, हाउस दैट। दिस गेम इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। सबसे पहले बात ऑस्कर अवार्ड्स की, शुरुआत करते हैं 93 अकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर सेरेमनी की। वैसे हर साल ये फंक्शन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते इसे ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया। विनर्स की बात करें तो फिल्म नोमैडलैंड ने इस साल 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार मिले हैं। सबसे पहले नोमैडलैंड की डायरेक्टर क्लोई चाओ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ब्रिटिश एक्टर एंथनी हॉपकिंस को फॉर द फिल्म द फादर। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का जो अवार्ड है वो मिला टेनेट मूवी को, जो अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपके देखने के लिए अवेलेबल है। वैसे बेस्ट ओरिजिनल स्कोर अवार्ड मिला एनिमेटेड फिल्म सोल को। इन सभी के अलावा बहुत सी कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। वैसे अवार्ड शो का मुख्य आकर्षण रहा इसका इन मेमोरियल सेगमेंट, जिसमें उन सभी सितारों को याद किया गया जो पिछले साल हमें अलविदा कहकर चले गए। याद किया गया लेट एक्टर इरफान खान और इंडियन कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को। भानु अथैया को साल 1982 में गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला था। इन दोनों के अलावा चैडविक बोसमैन, शॉन कॉनरी, डायना रिग, हेलेन रिकॉरी जैसे कई सारे सितारों को ट्रिब्यूट भी दिए गए। ऑस्कर विनर्स की पूरी लिस्ट और इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट लल्लन टॉप पर। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जाकर पढ़िएगा जरूर। दूसरी खबर सलमान खान की। बीते दिनों हम आपको बता रहे थे कि सलमान खान मुंबई के फ्रंटलाइन वर्कर्स को फूड पैकेट्स बंटवाएंगे। अब सोशल मीडिया पर सलमान का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद लोगों तक फूड पैकेट्स पहुंचा रहे हैं। सलमान रोजाना करीब 5,000 फूड पैकेट्स बंटवाएंगे। इन फूड ट्रक्स की बात करूं तो जुहू और वर्ली के आसपास के लोगों को इसके जरिए खाना बांटा जाएगा। सलमान खुद एक वीडियो में इन फूड पैकेट्स की क्वालिटी चेक करते हुए नजर आए। इनफैक्ट राहुल कनन, जो इस कैंपेन के लीडर है, मिड डे से की गई बातचीत में उन्होंने बताया 15 मई तक लोगों तक ये खाना पहुंचाया जाएगा, जिसमें चाय, पानी के पैकेट, बिस्किट के पैकेट्स, पोहा, उपमा, पाव भाजी या वड़ा पाव है। सलमान खान रियली बीइंग ह्यूमन कहना पड़ेगा। वैसे ऐसे मददगारों की देश में बहुत जरूरत है। कोरोना काल में देश का बुरा हाल है, लोगों को ऑक्सीजन की कमी, मेडिकल में बेड्स की कमी, बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। फिल्मी कलाकार मदद के लिए सामने आ रहे हैं, जैसे सोनू सूद आए। बीते दिनों अक्षय कुमार ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए भी डोनेट किए, ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सके। और अब गुरमीत चौधरी भी लोगों की मदद के लिए आगे आए, ट्वीट किया कि मैंने फैसला लिया है, मैं पटना और लखनऊ में अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं के साथ अस्पताल खोलूंगा, जिसमें 1,000 बेड्स होंगे। ऐसे अस्पताल दूसरे शहरों में भी बनवाऊंगा, बस आपका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा देश के दूसरे हिस्सों में जल्द से जल्द बेड्स की व्यवस्था करवाएंगे, ताकि लोगों तक मदद पहुंच सके। गुरमीत ने अभी बाकी डिटेल्स नहीं बताई है, पर उनका कहना है इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। वे टू गो। अगली खबर पूजा हेगड़े की। हाउसफुल 4 की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को कोरोना हो गया है। कल शाम पूजा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, आप सभी को बताना है कि मेरी COVID-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए मैंने खुद को घर में आइसोलेट किया है। उन्होंने कहा जो लोग भी मेरे कॉन्टैक्ट में आए हैं वो जरूर अपना टेस्ट कराएं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। प्लीज घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए। हम भी प्रार्थना करते हैं पूजा हेगड़े जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। और पूजा, फिलहाल बात करूं तो प्रभास के साथ फिल्म राधे श्याम में दिखाई देने वाली है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर बिग बॉस की।
बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रही निकी दंबोली ने कुछ दिनों पहले ही कोरोना से जंग जीती है। इस मुश्किल वक्त में वो लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील कर रही हैं। निकी ने बताया कि उनके भाई को भी कोविड पॉजिटिव पाया गया, फिलहाल वो अस्पताल में क्वारंटीन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से ठीक होने के बाद वो सरकारी अस्पताल में अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगी ताकि किसी भी जरूरतमंद की मदद की जा सके। निकी ने एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए कहा, जो पेशेंट इसे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं प्लाज्मा डोनेट करूंगी। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। मैं सबसे यही अपील करूंगी कि जो भी रिकवर हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें ताकि लोगों की मदद की जा सके। निकी की इस बात को, इस पहल को खूब सराहा जा रहा है। द लल्लन टॉप भी आपसे रिक्वेस्ट करता है, अगर आप कोविड से रिकवर कर चुके हैं तो प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। आगे बढ़ते हुए बात जैकलीन फर्नांडिस की, जिन्होंने घर पर बैठे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, जो इस कोविड महामारी के बीच धैर्य से अपने घरों में बंद हैं। जैकलीन ने उनकी तारीफ की और लंबे चौड़े पोस्ट में ये लिखा कि हर कोई अपने बच्चों की सराहना कर रहा है। इन छोटे हीरोज ने अपने जीवन में जितना भी जाना है उससे कहीं अधिक घर के अंदर रह रहे हैं। उनकी सारी दुनिया सचमुच पलट गई है। जैकलीन के इस पोस्ट से शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर ने सहमति जताई, साथ ही कहा कि ये सबके लिए बहुत ही कठिन समय है। अब आगे खबर एक लॉस की। जाने माने गायक और पद्म भूषण से सम्मानित पंडित राजन मिश्रा का 25 अप्रैल को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया, हार्ट अटैक भी आया था, जिसके बाद अब मिश्र बंधुओं की जोड़ी टूट गई है। उनकी मौत के बाद पीएम मोदी ने भी अपना शोक जताया। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 1971 में भारत सरकार ने संस्कृत अवार्ड से नवाजा था। साथ ही 2007 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्री का पूरा काम रुक गया है, बहुत सी फिल्मों की शूटिंग अटक गई है। विजय सेतुपति और कटरीना कैफ की फिल्म की शूटिंग भी अब पोस्टपोन कर दी गई है। इस मूवी को 15 अप्रैल से शूट किया जाना था लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। एक वेबसाइट से बातचीत करते हुए विजय सेतुपति ने बताया कि कटरीना के कोविड पॉजिटिव होने के बाद इसकी शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। श्री राम राघवन के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म की शूटिंग अब कब शुरू होगी इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन विजय सेतुपति जल्द ही राज और डीके की वेब सीरीज में दिखाई देंगे। अगली खबर शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर जल्द ही राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म में नजर आने वाले हैं। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म का नाम होगा कर्ण। बताया जा रहा है कि यह फिल्म महाभारत के किरदार कर्ण पर बनाई जाएगी, जिसमें कर्ण के नजरिए से महाभारत को दिखाया जाएगा। वैसे इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी कहानी लिखेंगे आनंद नीलकंठ, जो असुर, द राइज ऑफ शिवगामी और वॉनर जैसी किताबें लिख चुके हैं। वैसे सही रहा तो 2023 की दिवाली तक इस फिल्म को रिलीज जरूर कर दिया जाएगा। तो बस आज के शो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपका कोई फीडबैक हो, आप हमसे कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ मेरा पहला द सिनेमा शो आपको पसंद आया होगा। वैसे इस महामारी में, इस दौर में अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे फिट। कोविड-19 से वैसे रिकवर कर चुके हैं तो प्लाज्मा डोनेट जरूर करें। आज का तो सिनेमा शो लिखा है हमारी साथी मेघना ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। मैं सोनाली।